मैगी, जिसे हम 2 मिनट नूडल्स के नाम से जानते हैं, आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यह लोगों का पसंदीदा भी है। भारत में तो इसे चाहने वालों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ तक कि जिन्हें खाना बनाने नहीं आता वो भी झटपट मैगी बनाते हैं और खाकर अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मैगी को आज हम इतना पसंद करते हैं उसका इतिहास क्या है और इसका नाम मैगी ही क्यों पड़ा? ये करीब 123 साल पुरानी कहानी है। वैसे तो भारत में मैगी की कहानी साल 1983 में शुरू हुई थी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च किया था, लेकिन उससे पहले विदेशों में तो ये खूब प्रचलन में था। साल 1897 में सबसे पहले जर्मनी में मैगी नूडल्स पेश किया गया था। मैगी नूडल्स बनाने वाले का नाम जूलियस माइकल जोहानस मैगी था। वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर मैगी का नाम मैगी पड़ा था। इसे बनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल साल 1884 में जूलियस ने आटे से बने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया था, लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास चला नहीं था, जिसके बाद 1886 में उन्होंने सोचा कि वो ऐसे खाद्य पदार्थ बनाएंगे जो जल्दी से पक जाए। बस यही से मैगी की शुरुआत हुई थी। PM News 24 की रिपोर्ट।